हाँ जी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि इधर भी पहाड़ साथ ही इधर भी पहाड़ है, यानी दोनों तरफ पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, बीच में इतना पानी स्टोर किया गया है। देख, हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा मैं कहाँ पे हूँ। जंगलों पे बहुत पहाड़ देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में। तो गाइज, मैं आज टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ पे अभी कहाँ का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हुंडरू फॉल आया हुआ हूँ। हुंडरू फॉल के मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर में हूँ। तो इधर मैं आया उसके मैं शॉर्ट रास्तों में आया हूँ। मैं गोला रोड से आया शॉर्ट रास्तों में। तो इस रास्ते में दोस्तों पहाड़ हमको दिखे, देख सकते हैं पूरे चारों इलाके में इस तरह से पहाड़ हमको दिखे, बहुत ही शानदार लुक था। तो मैं सोचा यहीं से मैं अपना इंट्रो स्टार्ट करूँ। तो चलिए, और वीडियो में बने रहिए। 6 किलोमीटर और आगे है हुंडरू फॉल, वहाँ का सीन दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ नज़ारा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बताया आपको, पहले दिखाया कि मैं 6 किलोमीटर पीछे था। तो दोस्तों, मैं आगे आता गया तो मैं गोला रोड से मैं बोला कि मैं आया हूँ। इस रोड में दोस्तों बहुत ही छोटा रोड है और बहुत ही हिडन प्लेस है, तो कोई नहीं जानता ये रोड, क्योंकि इतना छोटा रोड है, ये पुल है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। उधर से हम आए हैं, वहाँ पर और ज़्यादा पतला रोड है और बहुत ही कम लोग आते हैं, बस गाँव वाले इधर रहते हैं। तो उसी रोड में आया तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा प्लेस दिखाने वाला हूँ। आप देख ले इधर, ये देखिए, इधर भी पहाड़ साथ ही इधर भी पहाड़ है, यानी दोनों तरफ पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, बीच में इतना पानी स्टोर किया गया है। देख रहे हैं इतना पानी स्टोर किया गया है। तो इसका निकासी मैं बताऊं तो इधर निकासी कुछ नहीं हो रहा है, इधर कुछ निकासी नहीं हो रहा है। ये पुल में हम लोग हैं और पुल को पूरा बांधा गया है। और ये देख सकते हैं, इधर का मैं नज़ारा एक बार दिखा दूँ। देख सकते हैं पूरा, ये इधर पूरा पेड़ है और खेत वगैरह है, मतलब यहाँ पानी निकासी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि हुंडरू फॉल का जो ये दोनों पहाड़ है ये भी, और हम जब आए हैं यहाँ, ये हम लोग को बहुत ऊंचा उठना पड़ा है, करीबन हम लोग का 30 फीट ऊंचा उठना पड़ा है, 30 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो हो सकता है हम फिर इधर जाएंगे, ये पहाड़ हम लोग पार करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। देख रहे हैं उधर पूरा रोड बना हुआ है, फिर हम लोग उधर से नीचे उतरेंगे। हमें लग रहा है उधर से पानी उधर निकासी की जाती है और वो पहाड़ से गिरता है, वही हुंडरू फॉल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलती है। तो 5 मिनट्स लेटर, आपको बता दूं उधर एक सुरंग है, वहीं पे उस सुरंग के द्वारा उधर से जाता है। ये हमें अंकल मिले, वो हमको बताएं कि ये सीताराम डैम नाम से जाना जाता है और ये दामोदर घाटी नगर निगम के जो पानी पार होता है वही इसी पानी से लिया जाता है। तो हम अभी चलने वाले हैं। तो गाइस, ये देखो कितना भयानक रोड है और वो है डैम, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। हम लोग को जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रोड भी ख़राब है, क्योंकि ये कोई नेशनल या स्टेट हाईवे नहीं है या गांव का, ये बहुत ही सुदूर इलाका में पड़ेगा। तो ये शॉर्ट रास्ता गोला से है, बहुत लोगों को पता नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तीखा मोड़ भी है और रोड बना भी नहीं है, पूरा हमको पहाड़ी पार करना पड़ रहा है। इस रास्ते हम लोग पहाड़ी पार करेंगे। यहाँ का सीन देखो आप, उस रास्ते से हम आए हैं, उधर दिख रहा है एक रास्ता और हम इधर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है हम लोग का। तो गाइस, देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह से है, बैकग्राउंड का नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा जंगल हमको देखने को मिल रहा है। कभी आप नहीं आए होगे इस रास्ते पे हुंडरू फॉल, जब भी आप आए होगे तो वर्मांझी होते हुए आए होगे, तो उस रास्ते में ऐसा रोड आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा प्रकृति और पेड़ पौधे आप लोग को यहाँ पे बहुत मनमोहक लगेगी। इधर देखोगे बहुत हरियाली आप देख रहे हैं चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं हुंडरू फॉल। तो हुंडरू फॉल का मैं नज़ारा दिखाने से पहले मैं बताऊं कि जो हुंडरू फॉल का पानी जो गिरता है वो देख सकते हैं, यही नदी है, ये नदी के पानी गिरती है। इधर आप देख सकते हैं यही नदी का पानी अभी गिरेगी, उस रास्ते गिर रही है। तो वहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है दोस्तों, आप लोग को दिखा दूँ कितना मस्त नज़ारा है। तो देखिए इधर ये नज़ारा पूरा भयानक है, अभी पानी थोड़ा गंदा है,
लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्त है दोस्तों। और अभी नीचे जाके दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा भयानक है दोस्तों। बीच में दोस्तों यहाँ रोपवे भी दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे लोग पिकनिक भी मनाने आए हैं, नीचे बहुत सारे लोग भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप आओगे तो इस तरह का कचरा फैला के मत जाना दोस्तों, देख सकते हैं पूरा कचरा फैला के जाते हैं। तो अभी हम ऊपर में हैं और ऊपर का नज़ारा है, ये पूरा मस्त ही लुक आ रहा है। आप एक बार आके देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये पूल का सीन है, बहुत लोग अभी पिकनिक मनाने आए हैं। तो गाइस यहाँ से पानी इस तरह से जा रहा है, वो वहाँ पर जाके पूरा भयानक खाई है और वहाँ से गिर रहा है। और दोस्तों देख रहे हैं उधर से पूरा नदी बहा हुआ है, उधर ही से नदी पूरा पहाड़ों के तरफ से पूरा नदी गया हुआ है। तो चलिए नीचे हम जाते हैं और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस अगर आओगे तो आपको टिकट लेना होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, पूरा नज़ारा है, मैं पुल से आगे निकल गया हूँ। यहाँ बहुत सारे होटल मिलेंगे, आप यहाँ पे आराम से नाश्ते वगैरह कर सकते हैं। अभी अपना गाड़ी पार्क कर चुके हैं और अगर आप आओगे तो आप टिकट कटवा के आना, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करोगे। ये जितना बनाया गया है ये गाड़ी पार्क करने का है और आपको यहाँ पे टिकट दिया जाएगा और साथ ही आपका गाड़ी नंबर नोट किया जाएगा, ताकि दोस्तों अगर आप टिकट लेके जब आप बाहर कोई आपका गाड़ी लेके अगर जाएगा तो उसको टिकट होना चाहिए और टिकट में वो गाड़ी नंबर होना चाहिए, जिससे आपका गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगा, कुछ चोरी होने का चांस नहीं रहेगा। 5 minutes later इधर से पानी आ रहा है, ये नज़ारा देखो किस तरह से पानी गिर रहा है। साथ ही इधर से पूरा भयानक तरीका से फॉल में ये देख सकते हैं। अभी आप लोगों को खाई दिखाता हूँ, देख सकते हैं खाई, ये है वो खाई। बहुत ज़्यादा फोटो शूट वीडियो शूट और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ नज़ारे, देख सकते हैं क्या भयानक पानी गिर रहा है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे से भी दिखाएंगे कितना भयानक गिरता है और वो नीचे से क्या व्यू आती है, बहुत ही शानदार है। ये हम लोग खतरा जोन में है, देख सकते हैं रेड झंडा भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गिर के मर भी चुके हैं, बहुत जो भी तैराकी होते हैं उन लोग को बचाए हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऊपर तरफ भीड़ है। और अभी नीचे जाएंगे, नीचे से क्या सीन है देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ आके, चलिए आप नीचे दिखाते हैं नीचे का नज़ारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप एक बार विजिट करो आज, एक बार आप भीड़ देख लो लोगों का, पूरा भीड़ है, देख सकते हैं पानी किस तरह से बहाव तेज़ी से आ रहा है। वो बरसात के सीज़न में पूरा भर जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ से पानी गिरेगा और हम उस नज़ारे पे देखेंगे, इतना बड़ा खाई है। तो चलिए अब हम नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस जहाँ तक हम वीडियो दिखाए हैं वो था विदाउट टिकट। अब यहाँ से नीचे अगर नीचे का व्यू देखना चाहोगे तो टिकट आपको यहाँ पे दिखाना होगा, जो मैंने टिकट कटाया था। अभी तक कहीं टिकट नहीं मांगा था, यहीं पे टिकट देखने को मांग रहा है और यहाँ भी टिकट कटता है। तो यहाँ का देखिए कितने सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे आप देख लो स्क्रीन पे 745। तो आगे दिखाते हैं वो सीढ़ी में हम उतरने वाले हैं, वहाँ पे काउंट नहीं किया गया, जैसे मैंने बताया था पहाड़ी मंदिर का वीडियो बनाया था उसमें हर जगह काउंट किया गया था सीढ़ी वाइज, बट यहाँ पे नहीं किया गया है। तो सीढ़ी का सीन दिखाऊंगा, यहाँ पे टोटल सीढ़ी का काउंट करके लिखा गया है। अगर आप नीचे उतरोगे तो लकड़ी के एक से एक इस तरह का वेरायटी बनाया हुआ मिलेगा आप लोग को, बहुत ही अच्छा कलाकारी है। क्या व्यू है यार, देखो आप, मैं सीढ़ी में अंदर नीचे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ का क्या व्यू है। बहुत सारे लोग आते हैं, चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, लकड़ी लेके फिर उन्हें उठना पड़ता है, क्योंकि 745 सीढ़ी मैंने भी दिखाया, 745 सीढ़ी है पूरा। तो बहुत ही ज़्यादा सीन अच्छा है यहाँ पे, 745 सीढ़ी हम लोग नीचे उतरना है, फिर हुंडरू फॉल का व्यू आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से नीचे 745 सीढ़ी के नीचे व्यू आएगा। तो देख सकते हैं इधर लोगों का भीड़ किस तरह से है, अभी और भी नीचे और भी भीड़ होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलती है। ये नज़ारा देखो बहुत ही ज़्यादा नीचे उतर चुके हैं और अभी और हमको लग रहा है आधा उतरना बाकी है, 745 सीढ़ी मैंने बताया था आप लोग को इतना है, तो अभी हमको लग रहा है 300-400 सीढ़ी उतर चुके हैं। तो देखो लोगों का भीड़ किस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अभी पिकनिक का भी करीबन 8-9 पेज हो गया, तो फिर भी इतना भीड़ है, तो पूरे नीचे दिखाता हूँ किस तरह से। साथ ही आप लोग को इस तरह से बैठने के, कहीं भी अगर थक गए तो इस तरह से बैठ के नाश्ते वगैरह साथ सारा चीज़ कर सकते हैं। अब अगर आप आओगे तो यहाँ नाश्ते के लिए कहीं भी बहुत सारा जगह पे करीबन 10-10 सीढ़ी पे आप लोग को नाश्ते के लिए कहीं भी बैठ के आराम कर सकते हो, पूरे खा सकते हो, बैठने के लिए सारा चीज़ दिया गया है। तो चलिए और आगे दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, दिख चुके हैं आप, मात्र 10 सेकंड का अभी देरी है, आप आगे देखिए क्या क्या देखने को मिलती है। भीड़ बहुत ज़्यादा है जिसके कारण लेट हो रहा है जाने में। फाइनली गाइस मैं नीचे का व्यू आप लोग को दिखाता हूँ, आप इधर देख लो ये सीन, ये पूरा नीचे का व्यू किस
तरह से कितना ऊपर से मैं दिखाया अभी कुछ देर पहले आप लोग को ऊपर से सीन, अभी नीचे का सीन देखिए किस तरह से पानी गिर रहा है, बहुत ही शानदार लुक आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ लोगों का, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे आप फोटोशूट भी करवा सकते हो या फिर फोटोशूट करवा के आप यहाँ पे फ़ोटो भी निकलवा सकते हो। बहुत ही DSLR में बहुत सुविधा दिया गया है। तो नज़ारा कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हुंडरू फॉल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई में यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं फोटोशूट करवाने के कारण, यहाँ बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, बहुत सारे मैंने न्यूज़ में भी देखा है, आप लोग भी शायद देखे ही होंगे। तो यहाँ पे आएगा तो सावधानी बरतना होगा अगर आप फोटोशूट कर रहे हो। साथ ही बहुत ज़्यादा भयानक खाई है, आप उधर देख रहे हो पानी इतना भयानक काला गंदा दिख रहा है, बट ऊपर से जो गिर रहा है कितना वाइट दिख रहा है देख सकते हैं, बहुत ही ऊपर से गिरता है। आप लोग को पहले भी मैं दिखाया आप लोग का ऊपर से सीन, अब नीचे का सीन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और इधर फोटोशूट भी हो रहा है, ज़्यादा भीड़ भी है। और कैसा लगा वीडियो हमें बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया मैं वीडियो। तो चैनल में नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।